हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आपका सुषमा की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पहले की रेसिपी की तरह पसंद आए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल और इसको हम गर्म कर लेंगे अच्छे से। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल बना सकते हैं। तो तेल यहाँ पे गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस्ड अनियन। तो यहाँ मैंने प्याज को इस तरह से काट लिया है स्लाइसेस में। अब सारे प्याज मैं डाल दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले यहाँ पे। और कुछ देर हमें यहाँ पे इसको बस भून लेना है, प्याज बस थोड़े से पक जाएँ। तो यहाँ मैं इसको इस तरह से भून ले रही हूँ और ये देखिए प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन यहाँ पे डाल रही हूँ। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। आप चाहें तो इसका पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत बढ़िया बनता है। तो यहाँ मैं मिक्स कर लेती हूँ और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से थोड़ा सा पका लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ देर कुक कर लिया 1 मिनट के लिए। अब इसके बाद यहाँ लिए है मैंने 500 ग्राम हरे मटर, 1 पैकेट लिया है यहाँ पे मशरूम, और यहाँ 3 से 4 मैंने गाजर लिए हैं जिसको मैंने इसे स्लाइसेस में काट लिया है। अब ये सारी सब्जी जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सब्जियों को मैंने अच्छे से पहले धो लिया था और अब इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसे मिलाते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ मैं मिला रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटोस, 1/2 चम्मच मिला रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिलाऊँगी यहाँ पे रेड चिली पाउडर, मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच मिला रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, और यहाँ डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ चिकन मसाला। अगर आपके पास है तो आप डालें वरना अवॉइड कर सकते हैं। और नमक डालेंगे यहाँ पे स्वाद के अनुसार। तो अब मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ जो है अच्छे से मिक्स करूँगी। इसी के साथ यहाँ डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च बीच में से स्लिट की हुई, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे सब्जी को। ये देखिए मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पे मैंने। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी बीच बीच में चलाते हुए। चलिए देख लेते हैं, 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना पानी है इसमें अभी। तो पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको, और इसको अब हाई फ्लेम पे हम बीच बीच में चलाते हुए इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। तो चलिए इसको भून लेते हैं। मुश्किल से बस 2 या 3 मिनट लगेंगे पानी सूखने में। तो ये देखिए पानी जो है वो अच्छे से सूख गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ये सब्जी जो है फटाफट से बनके तैयार होती है। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है और सब्जी जो है वो बनके तैयार है। तो इसमें मैं अब मिलाऊंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ धनिया मैंने डाल दिया है और इसको भी कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरीके से। तो अब गैस को बंद करते हैं और उसको सर्व कर लेते हैं। सब्जी जो है बनके तैयार है। तो यहाँ मैं अब उसको सर्व कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये सब्जी लग रही है देखने में, खाने में उतनी ही टेस्टी है, बहुत बढ़िया लगती है सब्जी खाने में और फटाफट से बनके तैयार होती है। सर्दियों का मौसम है, मशरूम और हरे मटर और गाजर तो बाज़ार में जो हैं वो मिल ही रहे हैं, तो आप क्यों ना इसको बना के ट्राई करें आज ही। बहुत ही बढ़िया बनती है, फटाफट से बनके तैयार होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।